दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष कितनी रहस्यमय जगह है? और क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में ट्रैवल करने वाले व्यक्ति को कैसा महसूस होता होगा? दोस्तों, हम और आप जैसा आम आदमी अंतरिक्ष में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, पर ऐसी कुछ मूवीज हैं जिनको देखकर आप घर बैठे अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। तो अपना स्पेस सूट पहनिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है 5 स्पेस मूवीज जो आपको जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। स्वागत है दोस्तों मेरी YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इस चैनल पर आपको हमारी दुनिया के बारे में नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 5, एड एस्ट्रा। 2009 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसके हीरो ब्रैड पिट हैं, ये दिखाती है कि इंसानी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस हो गई है। इंसानों ने एक ऐसा टावर बना दिया है जो इतना ऊंचा है कि अगर आप उसके ऊपर हो तो आप स्पेस में पहुंच जाएंगे। यही नहीं, धरती से चांद तक एक कमर्शियल स्पेस फ्लाइट भी चालू हो गई है। और तो और, चांद पे कौन सा हिस्सा किसका होगा, इस चीज के लिए दुनिया के देश आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। ऐसे में नेपट्यून ग्रह के पास जो एक जहाज एलियन लाइफ डिस्कवर करने गया था, उसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी को देखते समय आप तैयार हो जाइए धरती से लेके अपने सोलर सिस्टम के एंड तक जाने के सफर के लिए। नंबर 4, मार्शियन। दोस्तों, मार्शियन जो है वो एक ऐसी मूवी है जिसमें एक इंसान मार्स प्लैनेट पर फंस गया है, वो भी बिल्कुल अकेला, बिना किसी खाने के, बिना किसी रिसोर्स के। ना उसके पास धरती से कनेक्ट होने का कोई जरिया है, ना उसके पास पीने के लिए पानी है। तो दोस्तों, इस मूवी में आप मंगल ग्रह की सैर करने के लिए तैयार हो जाइए। पहले तो हम धरती से मंगल ग्रह पहुंचेंगे, फिर वहां पे कैसे जीना है ये सीखेंगे। इस मूवी में ये तक दिखाया गया है कि वो मंगल ग्रह पे पानी कैसे बनाता है, और तो और वो एक ऐसा यंत्र बनाता है जिससे वो धरती तक मैसेज भेज सके। तो दोस्तों, भविष्य में अगर आप किसी जगह पर अकेले फंस गए हों तो इस मूवी की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम में आएगी। I am the greatest botanist on this planet. नंबर 3, Gravity. दोस्तों, ग्रेविटी एक ऐसी मूवी है जिसमें सिर्फ लास्ट के 3 मिनट को छोड़ के बाकी पूरी मूवी जो है वो स्पेस ही दिखाया गया है। ग्रेविटी में ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो आज के जमाने में होना संभव है। ग्रेविटी मूवी देखते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही स्पेस में तैर रहे हैं, और आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि आज के ज़माने में जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट स्पेस में काम कर रहे हैं उनकी जान के ऊपर कितना ज़्यादा खतरा है। और दोस्तों, ऊपर अंतरिक्ष से हमारी धरती कितनी सुंदर दिखती है, ये आपको इस मूवी में बहुत ही डिटेल में देखने को मिलेगा। नंबर 2, इंटरस्टेलर। दोस्तों, इंटरस्टेलर आज तक की जितनी भी स्पेस मूवीज बनी है उनमें सबसे ऊपर मानी जाती है। इस मूवी में आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा, जैसे कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अगर आप वार्म होल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अगर आप किसी ऐसे ग्रह पे जाएंगे जहां का 1 मिनट धरती के 7 साल के बराबर है तो क्या होगा। अगर आप में से किसी को इस चीज का जवाब पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये एक पहली मूवी है जिसमें ब्लैक होल दिखाया गया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में रहने वाली ऐसी एक चीज़ है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, इनफैक्ट ये तक नहीं पता है कि वो दिखता कैसा है। नंबर 1, 2001 स्पेस ओडिसी। दोस्तों, ये मूवी देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये 1967 की मूवी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 2001 में जीवन कैसा होगा। ये पहली ऐसी एक मूवी मानी जाती है जिसने सिनेमा को ही बदल दिया था। इस मूवी में शुरुआत में बंदर दिखाए गए हैं, और बंदर से किस तरह हम इंसान अंतरिक्ष में पहुंच गए यहाँ तक दिखाया गया है। 1967 के हिसाब से इस मूवी में इतनी फ्यूचर की चीजें दिखा दी गई है, जैसे आईपैड, वीडियो कॉलिंग, एलईडी स्क्रीन, इंसानों का चांद पर उतरना, अंतरिक्ष में खाया जाने वाला स्पेशल तरीके का खाना, और आधुनिक रोबोट की मदद से स्पेस में ऑपरेशंस करना। इस मूवी में एक बहुत ही फेमस टाइम ट्रेवल सीन है जिसको देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी मूवी है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगली बार हम फिर से लौटेंगे किसी नए टॉपिक पे आपको जानकारी देने के लिए, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसे कमेंट करिए, हम आपके नाम के साथ उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।